नमस्कार भाइयों और राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धाकड़ बैठकर में। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ चैनल धाकड़ बैठकर को सब्सक्राइब करें और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली भविष्य की वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इससे यह पता चलता है कि हमने जो वीडियो यूट्यूब पर डाली वो वीडियो आ चुकी है, आप उस वीडियो को देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान एवं डेयरी वाले भाई एवं पशुपालकों को जो डेयरी का व्यापार करते हैं उनको शेयर करें, जो न्यू फील्ड में डॉक्टर वेटनरी प्रैक्टिस उतर रहे हैं उनको शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे आपके सपोर्ट से हमारा चैनल आगे बढ़ता रहेगा, हम आगे और वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो किसान भाइयों, आज जो मैं बात करूँगा वो बहुत ही अहम टॉपिक है पशुओं के लिए। इसलिए अहम टॉपिक है कि बहुत से किसान एवं डेयरी वाले भाई क्या करते हैं, पशु ले लेते हैं 51 या 15 दिन 20 दिन का 25 दिन का ब्यानी भैंस ले आते हैं। सामने वाला जो लेते हो आप जिससे पशु, वो आपको उसकी कमियां नहीं बताता है, आपको मतलब क्या कमी है हमारे पशु में, कैसे ब्याया क्या किया। तो उसके लिए आज मैं जो बात करूंगा वो है प्रोलॉप्स। प्रोलॉप्स यानी फूल, पीछा, फूल दिखाना, पीछा दिखाना। आपका पशु अगर पीछा दिखा रहा है या प्रोलॉप्स हो गया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे उसका बचाव करना है, डॉक्टर घर पर नहीं आ पा रहा है, रात को क्या बचाव करना है, किस प्रकार बचाव करके उसको बचाना है, नज़दीक मेडिकल से दवाई ला के आपको क्या दवाई यूज करनी है, और सुबह होने तक या डॉक्टर नहीं आ पा रहा है उस दिन, तो उस समय तक आपको क्या ऐसा उपाय करना है जिससे आप अपने पशु को बचा सकें। तो नमस्कार, शुरू की वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी के ऊपर। पीछा जब पशु आपका दिखाए तो सबसे पहले आप कुछ ना करें, आप कम से कम 10 लीटर पानी ठंडा, फ्रीज में जो आइस होती है बर्फ, 10 लीटर पानी में आप कम से कम इतनी सारी बर्फ डाल लें, 10 लीटर में कम से कम 5 किलो बर्फ डाल लें और उस 5 किलो बर्फ से पानी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। आप उसको जब तक धोएं पीछे को, उस पीछा जो दिखता है पशु का, उसको जब तक धोएं ठंडे पानी से, जब तक बिल्कुल वो ठंडा ना पड़ जाए, उसको ठंडे पानी से धोने के बाद उससे प्रेशर आपको मारना है, अंगूठा है वो अंदर रख के उसको जोर से प्रेशर मार के अंदर घुसाना है। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा बिल्कुल, जो गर्म रहता है वो ठंडा हो जाएगा, वो साइलेंट हो जाएगा, बिल्कुल सुन हो जाएगा पीछा, और सुन होने के बाद उसको बिल्कुल भैंस जैसे ही सांस बाहर छोड़े आप उसको ढक्का दें और आप उसको अंदर घुसा दें, साथ में ही 2-4 छोटे छोटे टुकड़े 5-6 सिल्ली के उसके अंदर डाल दें, जिससे क्या होगा आपका जो पीछा दिखा रही है भैंस या गाय उसका जो पार्ट है वो बिल्कुल सुन पड़ जाएगा, और सुन पड़ने के बाद आप उसको एक एंटीबायोटिक यूज इंजेक्शन करना है, सेप्टिजोन टेजोवेक्टम या सेप्टी-4, कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन हो आपके मेडिकल के नजदीक हो वो आपको यूज करना है। दूसरा, आपको कैल्शियम का इंजेक्शन यूज करना है, जैसे कैलकेम कैल्शियम है, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी का कैल्शियम का इंजेक्शन आपको यूज करना है। और तीसरा यूज करना है आपको पॉलीजेसिक, नीमोसिनाइड, पेटाफोन हाइक्लोराइड, पेवरुलम ब्रोमाइड, जो एक इंजेक्शन होता है साल्ट का, पॉलीजेसिक, यह कारगिल कंपनी का आता है, आपको पीछा दिखाने में पॉलीजेसिक इंजेक्शन ही यूज करना है, यह इंजेक्शन 20 ml यूज करना है पॉलीजेसिक। और उसके बाद फास्फोरस इंजेक्शन है बूटा फास्पोन, टोनो फास्पोन, बूटा फास्पोन, कोई भी इंजेक्शन हो 20 ml बूटा फास्पोन। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप घर पे ये इलाज कर रहे हो उसको कैंची डाल देते हो तो फिर आपको यह इंजेक्शन 2 दिन कम से कम रिपीट करना है, 2 दिन कैल्शियम 20 ml इंजेक्शन, फास्फोरस का 20 ml इंजेक्शन एंड पॉलीजेसिक जो इंजेक्शन है वो भी आपको 20 ml इंजेक्शन यूज करना है और एंटीबायोटिक 2 दिन। आपको ये इंजेक्शन यूज करना है, आपका पशु का पीछा दिखाना, दर्द लेना कम हो जाएगा बिल्कुल। और अगर जेर अंदर रह गई हो थोड़ी बहुत, बाई चांस नहीं रहती है किसी पशु की रह गई हो, तो ईट्रोजन जो है वो होम्योपैथिक एक मेडिसन है, आपको यह इसकी 1 दिन की 3 खुराक बना के आप इसको पिला दो, आप जेर से बेफिक्र रहोगे, आपका पशु है वो जेर डाल देगा। अब आएगी जेल, भैंस के क्या है कि कमी आ जाती है, दूध पे नहीं आ रही है, बहुत सही कहानी कमियां आ जाती हैं, तो उसके लिए आप एक जेल यूज करना है। जेल में जो मैं बता रहा हूँ वो यूज कीजिए, किसी भी कंपनी का नहीं लाना है, मैं जिस ट्रीटमेंट पे वो चीज बता रहा हूँ वही यूज करना है।
इंजेक्शन अगर ना होने कारण बताया जाता है जेल पर मिल जाती है, वहां नहीं मिल रही तो दूसरे दिन लें। कैलबड़ा जेल है वेट्स फार्मा की, एक नंबर जेल है, एक नंबर रिजल्ट है इसका। आपको कैलबड़ा यूज करनी है, एक नंबर रिजल्ट है वेट्स फार्मा की है, अच्छा काम करती है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। मैं अभी भी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको कैलबड़ा जेल 3 यूज करनी है, डे 1 डे 2 डे 3। एक दिन में एक जेल, दूसरे दिन दूसरी जेल, तीसरे दिन तीसरी जेल, आप लगातार 3 जेल पिलाएं, जिससे उसकी इम्यूनिटी की, एनर्जी की, पावर की जो कमी है वो सारी कमियां दूर हो जाएंगी, एवं धीरे धीरे मिल्क फीवर भी नहीं होगा उसको, सारी कमियां पूरी खत्म हो जाएंगी। आप फिर भगोगे, बोतल चढ़वाओ भैंस को, ये करवाओ वो, कुछ नहीं चढ़वाना पड़ेगा। आप कैलबड़ा जेल पिलाएं 3 बोतल लगातार, तो इस ट्रीटमेंट को प्रोलक्स पे यूज करके देखें घर पे, गारंटी के साथ आपका पशु ठीक हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए सभी यूट्यूबर भाइयों के लिए मेरी तरफ से किसान भाइयों, डीवर भाइयों, थैंक यू।